Welcome guys to my YouTube channel Pharmacology Tips and Tricks, and we are going to discuss the MCQs on the basics of human anatomy and physiology. So guys, important topic है because आजकल जो RGPB में questions आते हैं या फिर online exams होते हैं उसमें काफ़ी सारे MCQs के बारे में पूछा जाता है. ओके सो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं. सो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, दैट इज़ बेसिक्स ऑफ HAP, दैट इज़ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेल एंड इस कंपोनेंट एंड टिश्यू. ओके तो गाइज इसी के ऊपर क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं. सो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी पर्सन हैं नए हैं प्लीज, एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो भी पर्सन हैं नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ इज. ओके लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम, मॉलिक्यूल, सेल या टिश्यू. सो जब हमने यहाँ पे बेसिक लाइफ प्रोसेस को स्टडी किया था तो ये एटम से स्टार्ट हुआ था, देन मॉलिक्यूल, देन सेल, देन टिश्यू. ओके बट जब क्वेश्चन टाइप से आता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ क्या है तो दिस इज द सेल. ओके तो इसका आंसर होगा सेल. सेकेंड क्वेश्चन, स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर आर इंटरनल वर्किंग ऑफ समथिंग इज कॉल्ड. ओके बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर्स या उसके जो रिलेशनशिप होते हैं इंटरनल ऑर्गन से, ओके इसको हम क्या कहते हैं, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोलॉजी एंड जूलॉजी. तो जब भी हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की तो हम बात करेंगे यहाँ पे एनाटॉमी की. ओके एंड ये कैसे फंक्शन करेंगे उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी, बट यहाँ पे हमें पूछा हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, दैट्स वाई इसका जो आंसर होगा दैट इज द एनाटॉमी. राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टडी ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड. ओके साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एंड जूलॉजी. सो गाइज यहाँ पे साइटोलॉजी, साइटोलॉजी होता है सेल की स्टडी. ओके साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी मतलब स्टडी करना. तो साइटोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ सेल. हिस्टोलॉजी, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू. ओके तो टिश्यू की स्टडी कहलाती है हिस्टोलॉजी. नेफ्रोलॉजी दैट इज द रीनल सिस्टम या किडनी की स्टडी कहलाती है नेफ्रोलॉजी, बिकॉज नेफ्रॉन कहाँ होते हैं, किडनी में होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है नेफ्रोलॉजी. जूलॉजी तो गाइस जूलॉजी एंड बॉटनी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जूलॉजी एनिमल के बारे में स्टडी करना. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है स्टडी ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द हिस्टोलॉजी. ओके तो इसका आंसर होगा हिस्टोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इज कॉल्ड. ओके मीन्स कई सारे सेल्स हैं इकट्ठी हो गई हैं. ओके तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्या ये मिलके क्लस्टर बनाती है जिसको हम बिग सेल कहते हैं, क्या ये टिश्यू बनाता है, क्या ये ऑर्गन बनाता है, क्या ये सिस्टम बनाता है. राइट बट यहाँ जो सेल का क्लस्टर है, कई सारी सेल जो आपस में मिलती हैं सिमिलर टाइप की, जिसका फंक्शन एक सिमिलर होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसको हम कहते हैं टिश्यू. ओके तो कई सारी सेल्स मिलके बनाती है टिश्यू, और कई सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं क्या बनाते हैं, ऑर्गन, एंड कई सारे ऑर्गन आपस मिलके बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम और पूरी ह्यूमन बॉडी. ओके तो उसका आंसर होगा यहाँ पे टिश्यू. फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बेसिक लाइफ प्रोसेस. अब बेसिक लाइफ प्रोसेस के कौन से पार्ट हैं, ओके ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस या सभी. बेसिक लाइफ प्रोसेस के अंदर ये तीनों ही आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्सिवनेस. ऑर्गेनाइजेशन किसी सेल का ऑर्गेनाइज होना, मेटाबॉलिज्म उसको ब्रेक डाउन होना किसी पार्ट का या किसी मॉलिक्यूल का, रिस्पॉन्सिवनेस किसी रिफ्लेक्स एक्शन शो करना या रिस्पॉन्स करना. ओके तो ये तीनों के तीनों जो फंक्शन है ये आते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस के अंदर, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल. क्वेश्चन नंबर सिक्स, इंक्रीज इन नंबर आर द साइज ऑफ द सेल इज नोन एज. यदि सेल का नंबर इंक्रीज होता है या साइज इंक्रीज होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इज इट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, आर्डाइजेशन. सो गाइज साइज बढ़ रहा है तो इससे एक चीज तो समझ में आ रही है कि जब साइज बढ़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ग्रोथ होगा. सेवेंथ, विच टर्म इंडिकेट द अपर डायरेक्शन. इनमें से ऐसा कौन सा टर्म है जो कि अपर डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इन्फीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर या डॉर्सल. तो गाइज इन्फीरियर जो होता है दैट इज़ द डाउन, सुपीरियर मतलब ऊपर साइड, एंटीरियर फ्रंटल साइड आगे की साइड, डॉर्सल मतलब पीछे वाला साइड.
राइट right. तो हमारे क्वेश्चन जो है अपर डायरेक्शन है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सुपीरियर. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द फ्रंट डायरेक्शन. अब पहले यहाँ ऊपर पूछा था, आप कहाँ पूछा है? फ्रंट डायरेक्शन. तो फ्रंट के लिए हमने अभी डिस्कस किया, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, डॉर्सल. तो इसका आंसर होगा एंटीरियर. क्वेश्चन नंबर 9, अ प्लान विच डिवाइड द बॉडी इंटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. सो गाइस, प्लान क्या होता है? प्लेन होता है जो कि आपकी बॉडी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ओके, दैट इज अ प्लेन. अब यहाँ पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मतलब ये जो प्लेन होगा आपके कहाँ से? बिल्कुल मिड से जा रहा होगा, जो दो पार्ट में आपकी बॉडी को डिवाइड किया हुआ है, एंटीरियर मतलब आगे वाला पार्ट और पोस्टीरियर इक्वल पार्ट में. तो यहाँ प्लेन के नाम है कोरोनल, सजाइटल, एक्सियल एंड मीडियन. सो गाइज, इसका आंसर होगा कोरोनल प्लेन, बिकॉज ये एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में इसको डिवाइड करता है. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द फॉलोइंग इज अ डॉर्सल बॉडी कैविटी. डॉर्सल मतलब पीछे साइड में कौन सी कैविटी होती है? क्रेनियल, एब्डोमिनल, प्लूरल या ऑल. ठीक है. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि क्रेनियल का यदि नाम लिया हुआ है तो क्रेनियम में क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ पे डॉर्सल कैविटी में रखा गया है. एब्डोमिनल एंड पेल्विक, ये नीचे वाली कैविटी है जो फ्रंटल पार्ट में है. प्लूरल, जिसके अंदर लंग्स होते हैं. ओके, तो क्रेनियल कैविटी या क्रेनियल इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 11, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट इन ब्लैंक कैविटी. अभी हमने डिस्कस किया कि स्पाइनल कॉर्ड जो है किस कैविटी में प्रेजेंट होगी, दैट इज अ डॉर्सल कैविटी. तो ऑप्शन थे यहाँ थोरेसिक, एब्डोमिनल, डॉर्सल है या ऑल. तो जो सीएनएस रिलेटेड चीज़ें होगी कहाँ प्रेजेंट होती है? डॉर्सल कैविटी के अंदर, इसलिए इसका आंसर होगा डॉर्सल. क्वेश्चन नंबर 12, विच सेल कंटेन 70S राइबोसोम. राइट. अब राइबोसोम दो तरह के होते हैं, 70S एंड 80S. 70S राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, दोनों में या किसी एनिमल सेल में? राइट. तो यदि हम बात करते हैं प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप, कैरियोट इसमें ये वर्ड है कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. तो जो पुराने टाइप की सेल्स होती हैं इसके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोट के अंदर 80S टाइप का राइबोसोम होता है. ओके गाइस, एन एनिमल सेल जो है यूकैरियोट का ही पार्ट है. ओके, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे होगा प्रोकैरियोट, जिसमें कि 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ग्लैंड्स दैट रिक्वायर डक्ट टू कैरी इट्स सिक्रीशन. ओके, ऐसी ग्लैंड जो कि अपना सिक्रीशन प्रोवाइड करने के लिए डक्ट का यूज़ करती है ना, जैसे यहाँ पे एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन दोनों हैं या कोई नहीं है? तो यहाँ आंसर में जैसे एक्सोक्राइन है. एक्सोक्राइन ही क्यों? बिकॉज दोनों ग्लैंड अपना सिक्रीशन प्रोवाइड कराती है. एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो कि अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर इनपुट करती है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड इसको डक्ट की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल, जो आपकी म्यूकस ग्लैंड हैं जो आपके माउथ में प्रेजेंट है या सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ये डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन टंग के नीचे प्रोवाइड कराती है. राइट, इसलिए इनको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन. स्किन का सबसे अपर मोस्ट लेयर कौन सा होता है? ऑप्शन है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस या ऑल. तो यहाँ पे यदि आपको समझ में ना भी आ रहा हो कि इसका आंसर क्या होगा, तो अपर के लिए यहाँ टर्म यूज होता है, दैट इज एपी. एपी मतलब होता है ऊपर, हाइपो मीन्स होता है नीचे. तो कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर ना भी पता हो तो भी आप क्वेश्चन के जो यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शंस दिए हुए हैं इनको देख के भी आप पता कर सकते हो. ओके, तो हाइपो मतलब होता है नीचे, एपी मतलब होता है ऊपर. तो यहाँ पे अपर मोस्ट पूछा है, इसलिए एपी डर्मिस इसका आंसर होगा. राइट. क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू के इसमें कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? फर्स्ट है टू कैरी द इम्पल्स, सेकेंड सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, थर्ड हैव स्वान सेल्स, फोर्थ हैव डेंड्राइट्स. तो आपने जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा कि इम्पल्स को भी कैरी करता है, स्वान सेल इसमें भी प्रेजेंट होती है, डेंड्राइट भी इसमें प्रेजेंट होता है, बट इसका एक ही काम जो उसमें नहीं है, दैट इज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस. ये म्यूकस का सिक्रीशन नहीं करता है. ओके, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
सेल ऑर्गेनल दैट डाइजेस्ट अनवांटेड मटेरियल इन द सेल। सेल के अंदर जो अनवांटेड मटेरियल है या जो डेब्रिस है, कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि उसे डाइजेस्ट करता है? लाइसोजोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी या सेंट्रोजोम? सो लाइसोजोम जो होता है इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज लाइसोजोम अपने एंजाइम के थ्रू जो अनवांटेड मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करता है। ओके इसके जो एंजाइम होते हैं वो लाइसोजाइम कहलाते हैं, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ऑर्गेनल विद कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन साइट। ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स हैं जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है? गॉल्जी बॉडी, सेंट्रोजोम, राइबोजोम या न्यूक्लियस? सो गाइस इट इज़ वेल नोन, इट इज़ अ न्यूक्लियस जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। गाइस इसका आंसर होगा न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक को ये हेरिडेट करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18, विच सेल डज नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। कौन सी सेल है जिसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता? यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, बोथ या एनिमल सेल? ओके तो इसका आंसर होगा प्रोकैरियोट, बिकॉज प्रो मतलब प्रिमिटिव, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो उसमें न्यूक्लियस जो होता है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एनिमल सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ। एनिमल सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? ओके क्या इसमें लिपिड होता है केवल, क्या इसमें केवल प्रोटीन होता है, ये ऑप्शन सी दोनों होते हैं, या फिर म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है? ओके तो आपने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा होगा या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा होगा उसके अंदर लिपिड की बाइलेयर होती है, दो लेयर होती है लिपिड्स की, एंड उसमें प्रोटीन जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं, ओके जो कि एक रिसेप्टर का भी काम करते हैं। सो गाइस इसका आंसर होगा ए एंड बी, बिकॉज इट इज़ अ लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल, ऑल ऑफ द अबव। तो सेल वॉल जो होती है इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द यूकैरियोट स्पेशली इन द प्लांट सेल ओनली, ओके इसलिए ये सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 21, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन। न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होता है? राइबोसोम के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या फिर न्यूक्लियस में? सो इसका आंसर होगा न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच अदर फॉलोइंग इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, ओके बट क्वेश्चन आता है ये, आंसर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, स्ट्रक्चर दैट रेगुलेट इंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल इन द सेल। ऐसे कौन से स्ट्रक्चर हैं जो कि मॉलिक्यूल का इंट्री और एग्जिट दोनों को रेगुलेट करते हैं? राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ऑल ऑफ द अबव। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है यही रेगुलेट करती है इंट्री एंड एग्जिट को। तो जब आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो इसके अंदर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि रिसेप्टर का काम करते हैं, या आपने इसमें ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा, राइट। तो ट्रांसपोर्ट जो है ये स्पेसिफिक होता है जो कि मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर की तरफ मूव ऑन कराता है। तो ये कहाँ से होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करता है मॉलिक्यूल की इंट्री और एग्जिट को। सो द आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 24, ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसे कौन से ऑर्गेनल हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं? राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस? सो द आंसर इज राइबोसोम, बिकॉज राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच आर द फॉलोइंग रिक्वायर्ड द एनर्जी। तो क्वेश्चन में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा गया है, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन या ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव का मतलब होता है जहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, पैसिव जहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, सिंपल डिफ्यूजन इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ द पैसिव, ओके इसलिए इसका जो आंसर होगा दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव से नाम से क्लियर है कि यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26, मॉलिक्यूल ट्रांसफर्स फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड।
मॉलिक्यूल का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना क्या कहलाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन या बी एंड सी बोथ, राइट? तो पैसिव, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि पैसिव का ही पार्ट है सिंपल डिफ्यूजन, और इसमें कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, एंड एनर्जी का रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं होता है बिकॉज ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए इसका आंसर होगा डी, बी एंड सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 27, मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इज डन बाय। लार्ज मॉलिक्यूल का मूवमेंट कैसे होता है, क्या किसके थ्रू होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस या फिर ऑस्मोसिस। सो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, ये तीनों ही स्मॉल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट लार्ज मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस यूज होती है। एंडोसाइटोसिस में फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस दो प्रोसेस आती है। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, एंड पिनोसाइटोसिस इसका मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, राइट? सो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, टिश्यू दैट आर प्रेजेंट इन कवरिंग एंड लाइनिंग इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि कवरिंग में भी प्रेजेंट होता है और लाइनिंग में भी प्रेजेंट होता है, मतलब ये कवर भी कर रहा होगा और अंदर की जो लेयर है किसी भी ऑर्गन की उसको हम कहते हैं लाइनिंग, वहाँ भी प्रेजेंट होगा। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू इज द करेक्ट आंसर बिकॉज यही कवरिंग या लाइनिंग जो है उसकी बनाता है, ओके? क्वेश्चन नंबर 29, विच टिश्यू आर मेड ऑफ मल्टी लेयर ऑफ द सेल्स। ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसमें कि मल्टी लेयर्स यूज होती हैं, ओके? उसका क्या नाम है? क्या हम उसे सिंपल टिश्यू कहते हैं या स्ट्रेटिफाइड कहते हैं या सिंपल स्क्वमस कहते हैं या सभी ऑल ऑफ द अबव? उसका आंसर है, तो जहाँ भी मल्टी लेयर की बात होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड, ओके? जहाँ सिंगल लेयर की बात होती है उसको हम कहते हैं सिंपल, राइट? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा स्ट्रेटिफाइड। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30, ब्लड इज अ टाइप ऑफ। ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? इज इट अ सिंपल स्क्वमस एपिथीलियम, मस्कुलर टिश्यू, लिपिड कनेक्टिव टिश्यू या डेंस कनेक्टिव टिश्यू? सो गाइस, सिंपल स्क्वमस एपिथीलियम तो नहीं होगा बिकॉज ये कवरिंग या लाइनिंग में है। मस्कुलर टिश्यू ये मसल्स बनाएगा तो ये भी नहीं होगा। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ये हो सकता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये भी नहीं हो सकता बिकॉज नाम से क्लियर है डेंस, और ब्लड कैसा होता है? लिक्विड होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ओके? सो गाइस, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो टॉपिक्स मैंने आपको पहले बताया था, जिन टॉपिक्स के ऊपर हैं। होप सो कि आपको यहाँ समझ में आया होगा। इसके आगे के जो पार्ट्स होंगे उसको भी मैं लेके आऊँगा, सो बने रहिएगा मेरे साथ में। और इसमें कुछ भी क्वेश्चंस में यदि आपको प्रॉब्लम आती है या समझ नहीं आया हो तो यू कैन कमेंट। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।